तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल ई स्कूल पर, जहां पर हम एक बिल्कुल एक नया वीडियो लेके आए हैं। जो भी आईटीआई वाले बच्चे जो हमारे ग्रुप से संबंधित हैं, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये जो नोटिफिकेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो के जो दाएं हाथ पे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है आप उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियो के जो बाएं हाथ पे जो लाइक का बटन है आप उसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्लस इस वीडियो को अपने अन्य सहपाठियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। तो जो भी नए बच्चे हैं वो ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहले से इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके में लाल कलर का बटन बन के नहीं आ रहा होगा, तो उनको दबाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिनके में ये बटन नहीं बन के आ रहा, ये लाल कलर का बटन बन के आ रहा, उन्हें जरूर से बटन दबाने की जरूरत है, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी चैनलों से सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी जानकारी होती है, जो भी आपका स्टडी मटेरियल होता है वो सबसे पहले उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए इस नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो विद्युत सेवा आयोग की तरफ से ये हमें नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ से इनने एक जो है नोटिफिकेशन निकाला है। तो नोटिफिकेशन जो निकला है वो आपका निकला है टेक्नीशियन विद्युत का, जिसमें कि 357 जो है अनारक्षित के पद हैं, और आपके जो ओबीसी के हैं वो 241 पद हैं, और अनुसूचित जाति जो एससी वाले हैं उसमें 187 है, और एसटी वालों की 17 है, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 89 पद है। तो ये जो है नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है टेक्नीशियन के लिए। अब इसमें मैं और भी चीजें आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास सभी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। वेतन उनको क्या मिलेगा, 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 यानी कि 27,200 रुपए, और उसमें आगे मिलने वाले जो अन्य भत्ते हैं उन सभी को ऐड करके जो भी पैसा होगा वो आपको दिया जाएगा। इसमें जो शैक्षिक अर्हताएं हैं तो वो भी देख लीजिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में आपने उत्तीर्ण की हुई हो, और साथ ही साथ इसमें छात्र के पास जो है जो भी ट्रेड उसमें मेंशन है इलेक्ट्रीशियन का, उसका जो है ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एनसीवीटी या एससीवीटी का होना आवश्यक है। वो किस किस ट्रेड का हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का हो, चाहे उसने इलेक्ट्रिकल में किया हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण में अगर उसने किया है, तो ये सभी बच्चे जो हैं इसमें भरने के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं। आयु की बात करें तो इसमें जो है न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी हुई है। साथ ही साथ उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वालों के लिए आपको पता ही है इसमें अनुमन्य छूटें दी जाती है, तो वो सब चीजें हैं इसमें। आरक्षण वगैरह भी इसमें जो है प्रॉपरली एप्लीकेबल होगा। इसमें आवेदन शुल्क की मैं बात करूं तो आवेदन शुल्क जो है एससी और एसटी कैंडिडेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो है 826 रुपए, और जो अन्य समस्त श्रेणी जो अनरिजर्व्ड और ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 1180 रुपए है। आवेदन शुल्क आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा हो सकता है। इसके बाद आपका जो है इसमें ये सारी चीजें इसमें देखा कि कैसे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, तो उनको जो है अपना अर्हताएं वे अन्य प्रमाण पत्र कैसे प्रस्तुत करने होंगे, वो सभी चीजें हैं इसमें। मैंने नोटिफिकेशन का लिंक जो है उसमें मैंने अपने वीडियो के नीचे दे रखा है। आप अगर दाएं हाथ पे देखेंगे तो एक एरो का बटन दिख रहा होगा, उस बटन पे जैसे ही देखेंगे उसमें नोटिफिकेशन का लिंक प्लस उस पर एप्लीकेशन का लिंक आपके पास मौजूद है, तो आप उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जो है आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो मैं बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया जो है ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों में होगा, जिसकी अवधि आपकी जो है टोटल 3 घंटे की होगी। पहले भाग में जो है आपका नीलिट के ट्रिपल सी के स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो आपका 1 अंक का होगा, और गलत उत्तर के आपके 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम आपको 20 अंक प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य होगा, और अगर आप इतने अंक नहीं प्राप्त करते हैं तो आगे का आपका जो है वो एनालिसिस नहीं किया जाएगा, दूसरे भाग की जो है आपकी जो है कॉपी नहीं जांची जाएगी और वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय भाग जो अगर आप 20 अंक के ऊपर प्राप्त करते हैं तो आपका द्वितीय भाग जो है किया जाएगा। द्वितीय भाग में आपका क्या क्या होगा तो आप ये समझ लीजिए, समान अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान जो होंगे वो 20 प्रश्न होंगे और 20 अंकों के होंगे, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी की को होंगे हाई स्कूल स्तर की, जिसमें कि 15-15 प्रश्न होंगे 15-15 नंबर के, और आपकी तकनीकी विषय ज्ञान होंगे जिसमें प्रश्नों की संख्या आपकी 150 होगी और अंक आपके 150 होंगे। तो कुल जो है 200 अंक का ये पेपर होगा आपका, जिसमें कि आपको 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि अगर आपका किसी भी अभ्यर्थी जो 67 अंक से अगर कम प्राप्त करता है तो ऑटोमेटिक चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद इसमें जो है परीक्षा का जो स्थान है वो मैं बता देता हूँ। परीक्षाएं आपकी लखनऊ, बनारस, मेरठ, आगरा या कानपुर शहरों में जो है इन
इन्हीं जो शहर जो आपके दिए गए इन चार शहरों में से किसी एक शहर में आपकी परीक्षा होगी। और इसके बाद आपको आवेदन जो है जो करना है वो www.uppcl.org को खोलेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे और एडवर्टीजमेंट नंबर 10 VSA इस एडवर्टीजमेंट नंबर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप वहां से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो के नीचे के लिंक पे आपको नहीं क्लिक करना है तो आप ऑनलाइन जाके भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद आपके जो है ये प्रवेश पत्र से संबंधित जानकारी है, फिर उसके बाद आपकी जो तिथियां हैं वो मैं बता देता हूँ इसमें, और बाकी आप नोटिफिकेशन खुद पढ़ लीजिएगा। ये जो मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो पूर्ण करने की तिथि है वो है 27 सितंबर से 19 अक्टूबर, और जो ऑनलाइन पेमेंट जो है करने की तिथि है वो भी 27 सितंबर से 19 अक्टूबर तक है आपकी। अगर आप चालान के थ्रू जमा कर रहे हैं तो चालान की जो डेट है आपका जो है 19 अक्टूबर तक ही ये चालान जो है डाउनलोड होगा, और प्लस आप जो है उसको 21 अक्टूबर तक आप जमा कर सकते हो। और परीक्षा की संभावित जो अवधि है वो नवंबर के चतुर्थ सप्ताह यानी कि फोर्थ वीक में आपकी ये परीक्षा जो है आयोजित कराई जा सकती है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। मैं फिर से आप सभी से कहूंगा कि सभी चैनलों से हमारे चैनल पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जो भी नए बच्चे हैं वो इसे जरूर से सब्सक्राइब करें, और प्लस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको इसमें कोई भी जो है आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज अगर पूछनी है आपको, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी जो प्रश्न है उसका उत्तर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।